पी इक्वल टू दिस, दैट इज 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, क्यू इक्वल टू दिस, दैट इज क्यू इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5. फाइंड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF ऑफ पी एंड क्यू. सो वी शुड फाइंड HCF ऑफ पी एंड क्यू. सो HCF विल बी द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दैट आर प्रेजेंट हियर एंड ऑल्सो हियर. सो नाउ वी शुड फाइंड द नंबर्स दैट आर प्रेजेंट हियर एंड हियर. आई रिपीट, वी शुड फाइंड द नंबर्स दैट आर प्रेजेंट हियर एंड हियर. सो लेट अस फाइंड, स्टार्टिंग विद द नंबर 2. डू वी हैव 2 हियर? यस. सो हियर ऑल्सो यू राइट 2. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वॉट पावर विल यू राइट ऑन दिस 2? इट विल टेक द स्मॉलर ऑफ बोथ पावर्स. सो स्मॉलर ऑफ 1 एंड 3 इज 1, सो हियर यू विल राइट 1. नाउ नेक्स्ट नंबर इज 3. डू वी हैव 3 हियर? यस. सो हियर ऑल्सो यू राइट 3. नाउ वॉट पावर विल दिस गेट? इट विल गेट द स्मॉलर ऑफ बोथ पावर्स. सो हियर पावर इज 1, हियर इट इज 2, स्मॉलर इज 1, सो हियर इट विल गेट 1. नेक्स्ट नंबर इज 5. डू वी हैव 5 हियर? यस. सो हियर ऑल्सो यू राइट 5. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वॉट पावर विल इट टेक? इट विल टेक द स्मॉलर ऑफ बोथ पावर्स. सो स्मॉलर ऑफ 1 एंड 2 इज 1, सो हियर इट विल टेक 1. सो नाउ यू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, वॉट एवर नंबर यू गेट दैट इज योर HCF. ओके, सो लेट अस मल्टीप्लाई. सो 2 पावर 1 इज 2, 3 पावर 1 इज 3, 5 पावर 1 इज 5. So 2 into 3 is 6, 6 into 5 is 30. So this is our HCF. Am I clear?